सवार चल दुनिया नहीं है बबल। ये देखिए महाजी, मैं अपने लिए छोटी छोटी कितनी अच्छी टी शर्टें लेके आया हूँ। परम अरब करता, तुझे शॉपिंग करते हुए अपनी वो याद नहीं आई है? वो कौन? वो जो मासूम सी भोली भाली सी है। मेरी बीवी बिल्कुल भी मासूम नहीं है माँ जी। चुप है, वो मुझे मालूम है, मैं बीवी नहीं उसकी बात कर रही हूँ। वो किसकी बात कर रही है माँ जी? माँ माँ, तुझे अपनी माँ जरा याद नहीं आई है? अरे कम अज कम अपने बूढ़े बाप के लिए कुछ ले आते यार। अच्छा एक काम करो, इन टी शर्ट्स में से ना एक मुझे दे दो। यार महबूब साहब, ये छोटी छोटी टी शर्ट है, आप इसकी क्या सॉक्स बनाएंगे? सॉक्स क्या, मैं रात को सोते में पहन लूंगा ना यार। सॉक्स? नबी, तुमने मेरे वॉलेट से पैसे चुराए हैं। माना कि ये शक्ल से चोर उचक्का लगता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरे पुत्र पर हर वक्त ये अल्जामात लगाती रहे बुरे बुरे। खूबसूरत, अगर तुम कहो तो मैं पुलिस को फोन करूं। महमूद सर, क्या हो गया आपको? इतनी छोटी सी बात के लिए आप लोग अब पुलिस बुलाएंगे यार? और वो पैसे मैंने लिए यार, लेकिन अपने लिए लिए, किसी मासूम लाचार लड़की की मदद करने के लिए लिए। अरे कौन सी लड़की भाई, और क्या मदद की है तुमने? जरा हमें भी तो पता चले ना, बताओ ना। भाई उस पैसों का मैंने दो परफ्यूम खरीदे, दो डिओड्रेंट खरीदे, चार लिपस्टिक खरीदी। जानो तुम्हें हाथ उठा उठा के दुआएं दे रही होगी। क्या मेरे पुत्र का दिल एडा वड्डा है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए अभी। यार महमूद साहब, निकाले 10,000 यार। मैं कौन से निकालूं भाई 10,000? वो जेब से निकाले, मुंह से थोड़ा निकाल ले। अरे मेरी जेब में तो 10 रुपए भी नहीं है। नबील, अगर शाम तक मेरे पैसे मुझे वापस ना मिले ना, तो कल से तुम्हारी पॉकेट मनी बंद। ओ दे दूंगा, शाम से पहले पैसे तुम्हारे मुंह पे मारूंगा यार। कहां से अरेंज करूं अब मैं? अरे भाई, हम सोच भी नहीं सकते थे कि आपकी आवाज़ इतनी खूबसूरत होगी। जी चाहता है कि आप बोलती रहें और हम सुनते रहें। जी जी मुस्तकीम जी, अभी बाद में बात होती है। किससे बात कर रहे थे, किसकी आवाज़ की तारीफें कर रहे थे तुम? भाई वो हमारी फैन थी, आवाज़ ज़रा अच्छी थी सुरीली, तो हमने गाने का मशवरा दे दिया बस, और क्या। हाँ तू बड़ा तानसेन है, जब मशवरा दिया मैंने है? केड़ा कारनामा कीता, तेरा नाते कभी किसी दीवार पे भी नहीं लिखा हुआ। अरे बेवा, आप तो जानती हैं कि हमारी सैकड़ों किताबें छपती छपती रह गई बस। जब किताब छपी नहीं तो उस कुड़ी ने कहाँ से पढ़ ली? अरे भाई सोशल मीडिया बेगम, आप भी कितनी नादान है। आपको पता है हमारी कितनी धूम है सोशल मीडिया पर, सैकड़ों लड़कियाँ दीवानी है हमारी। क्यों, फोटो अपनी जगह फवाद खान की लगाई हुई है तुमने? अरे नहीं बेगम, यही चेहरा लगा रखा हमने, यकीन मानिए इतने कमेंट्स आ रहे हैं प्यार भरे कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और चलो चलो, पहले जाके टींडे लेके आओ किलो, फिर जाके धूम मचाना, मैंने हांडी पकानी है। भाई क्या आपने अजीब सी बात कर दी, टींडे पे याद आया कि टींडा टींडा। ओ वे बुआ, ते टींडे लेके आए इस तो पहले कि तुम्हारे सिर का टींडा बना दिया मैं। जो हुक्म बेगम, जो हुक्म। मुस्तकीम साहब, कम अज कम 150 बार आपको अर्ज कर चुके हैं कि हमें पीछे से आवाज मत दिया कीजिए। और मामले की नजाकत को आप समझते नहीं, बहुत ही जरूरी काम से हम जा रहे हैं। कौन सा जरूरी काम से मुस्तकीम साहब? टींडे खरीदने जा रहे हैं, टींडे। अरे मुस्तकीम साहब, अरे आप जैसा अजीम आदमी टींडे लाने के लिए पैदा हुआ है? ना करें। अच्छा एक काम कीजिए, 2 5-5 हजार के नोट होंगे आपके पास, मैं आपको अभी 1 घंटे में वापस कर दूंगा। भाई सदके कुर्बान, यानी इस मासूम मुंह के साथ आपने 10,000 रुपए डायरेक्ट ही मांग लिए? तो क्या मुझे इनडायरेक्ट आपको बता? एक काम करें, 100-100 के दे। भाई आपने 1 घंटे के बाद हमें लौटाने हैं तो समझिए हमने दे दिए और आपने हमें वापस भी कर दिए। अब हमें इजाजत दीजिए और वापस। वो तो मैंने एहतियातन आपसे 1 घंटा कहा था मुस्तकीम साहब, 1 आधा साल तो लग ही जाएगा ना भाई इतनी बड़ी रकम उतारने में। अरे भाई फिक्रा दुरुस्त कर लीजिए, 5-10 साल की बात कीजिए, 1 साल से क्या होता है भाई, हमें तो माफी फरमाइए। नहीं पहले नौक रगड़े। भाई हमारे कहने का मतलब ये था कि हमें बख्श दीजिए और हमें जाने दीजिए। यार मुस्तकीम साहब ऐसा ना करें प्लीज, आप एक रहम दिल आदमी है, सिर्फ 10,000 का तो सवाल है। भाई हमारी बेगम की उंजूसी तो दूर दूर तक मशहूर है, सुबह 10 रुपए गिन के देती है और शाम को उनमें से भी 5 रुपए वापस मांग लेती है। फिर आप एक काम करें, जोजी बाजी से मुझे ना पैसे दिला दे। अरे भाई वो तो खैर किसी को एक पाई ना दे, हमारी बेगम की कंजूसी के किस्से सुना सुना कर माँ 10-10 कोस दूर अपने बच्चों को डराती हैं। आपकी दाल यहाँ गलने वाली नहीं, हमें माफ फरमाइए। मुस्तकीम साहब, यार अब क्या करूँ मैं, क्या करूँ, शाम तक खूबसूरत को पैसे देने हैं।
नबील कुछ सोच 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 कुछ सोच। हाँ इंतहाई निकम्मा कामचोर और झूठा है नबील, लेकिन दिल का बहुत साफ है। इतने साल हो गए हमारी शादी को, हर लड़की से फ्लर्ट जरूर करता है लेकिन दूसरी शादी कभी नहीं की उसने। बस मेरे सदाकत जैसा शोहर ना तो मोमबत्ती की रोशनी में भी नहीं मिलना है। ना मोमबत्ती की लाइट में क्या हूँ? क्योंकि मोमबत्ती की रोशनी कम होती है तो मेरे मियाँ का इतना बड़ा मुंह है ना। अच्छा अच्छा, सच में मैं तो बड़ी वो हूँ इस मामले में। वो क्या, चलाक? वो तो हर मामले में आप हैं जोजी आंटी। चुप है, चलाक नहीं, जिससे सारे वो जलते हैं ना। भाई मैं किसी से भी नहीं जलती, मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ। हाँ हाँ हाँ, खुशकिस्मत मैं बड़ी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे मुस्तकीम मिले। ओए पापा, ओए मुस्तकीम मुझे मिले, तुम्हें महमूद भाई मिले। वैसे अगर घर के मर्दों की बात की जाए ना तो सबसे अच्छा नबील ही है तीनों मर्दों में। जी नहीं, सबसे अच्छे मेरे मुस्तकीम है। नहीं जी, सबसे चंगे तो मेरे मुस्तकीम है। एडे सादा, एडे मासूम, एडे प्यारे, बिल्कुल गाय हैं गाय। हाय, इसका मियां गाय है, मैं तो टगा समझी थी। ओ मैं देख के आती हूँ, जा तू चाय बना के ला, गर्मा गर्म चाय तो ठंडी ठंडी चुगलियाँ, आहा बड़ा मजा आना है। देख के देख के देख के सीधी नहीं टूट सकती। हाँ भाई, कौन है तुम लोग? जी मैं लैला हूँ और ये मौलवी साहब, हम निकाह के लिए आए हैं। पर मैं आप लोगों का निकाह नहीं करवा सकती। ला हौला वला कुव्वत, हम निकाह करने नहीं बल्कि करवाने आए हैं। किसका? मेरा और मुस्तकीम का। हाय चुड़ैल, तू मेरे बड़े मुंह वाले शौहर से निकाह करने आई है? मैंने तेरी जान ले लेनी है, देखना। नहीं नहीं, मुस्तकीम का तो मुंह छोटा सा है, आपको गलत फहमी हुई होगी। अच्छा अच्छा, मैं समझ गई, तू जोजी के मियाँ से निकाह करने आई है। जी जी, आज हमारा निकाह था, वो आए ही नहीं तो फिर मैं उनके पीछे आ गई और मौलवी साहब को भी साथ ले आई। अब यहाँ पे रहना है तो यहीं पे निकाह भी कर लेते हैं। भाईजन, मौलवी साहब ये बताएं कि आप जनाजे पढ़वा लेते हैं? किसका जनाजा, कौन सा जनाजा? वही जनाजा जो निकाह के बाद बड़ी धूम से उठेगा, क्योंकि जोजी ने मुस्तकीम को छोड़ना नहीं है। मैं अपने मुस्तकीम पे आज भी नहीं आने दूंगी। अच्छा तो फिर आ जा, देख ले। मुमताज, ये तू किसे ले आई है साथ? मेरी बहन को। हैं? और ये मेरी बहन नहीं है। और तूने क्यों कहा था कि तू इसकी बहन है? मैंने कब ऐसा कहा? मैंने तो ये कहा कि मैं इनकी सौकन हूँ। सौकन? नहीं, तेरा दिमाग तो ठीक है। हाँ हाँ, याद आया, ये ना रशीद से निकाह करने आई है। ओए कौन रशीद? इधर तो कोई रशीद रहता ही नहीं है। कहीं ये लड़की मुस्तकीम साहब की बात तो नहीं कर रही? हाँ हाँ, मुस्तकीम साहब जो मेरे होने वाले शोहर हैं, जिन्होंने मेरे साथ मरने जीने की कस्में खाई है। हाय मैं लुटी गई, मैं बर्बाद हो गई। हाय नहीं कख ना रवे। क्या हो गया, कौन लुटा गया, कौन बर्बाद हो गया? हेलो, अरे घर में इतनी खूबसूरत मेहमान आई है, हमें किसी ने बताया नहीं, मैं नहीं बोलता। इसका मुझे तो बता देते, मैं बड़ा था घर में भाई। ये शगुफ्ता का शौहर ना फिर से शादी कर रहा है। अरे तो शगुफ्ता के शौहर को करने दीजिए शादी। जोजी जी, आप क्यों जारों के तार रो रही हैं? ये लड़की मुस्तकीम साहब से शादी करने आई है और कह रही है कि उन्होंने इसके साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं। हाँ हाँ, आप जल्दी से मुस्तकीम को बुलाइए ना, हमें आज ही निकाह करना है। वो तो जी टींडे लेने गए हुए हैं। जब आपका दूल्हा आ जाए मोहतरमा, मुझे मिसकाल दे देना, मैं फिर आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। बेड़ा तर जाए, ये दिन देखने से पहले तुम सारे मर क्यों नहीं गए? आप बैठिए ना। मैं क्या लाऊं आपके लिए? चाय। मुस्तकीम साहब, मुस्तकीम साहब, फिर क्या सोचा आपने, 10,000 देंगे कि नहीं? आप इस वक्त हमें परेशान मत कीजिए। मैं तो ऐसे ही आपकी दरवाजा रुकाई कर रहा था मुस्तकीम साहब। दरवाजा रुकाई? अभी थोड़ी देर के बाद आप जूता छुपाई पे उतर आएंगे। अरे मियाँ क्या उलफाल बक रहे हैं आप? अरे भाई आपको बचाना चाह रहा हूँ, और क्या भाई। फिलहाल तो आप हमें गर्मी से बचाइए और हमें अंदर जाने दीजिए। ये भी तो हो सकता है ना मुस्तकीम साहब,
के अंदर आप पर तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली हो। जो बुराई हम पे आनी थी वो 25 साल पहले आ चुकी, अब उससे बड़ी बुराई क्या आएगी हम पे? अरे ये तो आपकी सोच है। अरे हमने अर्ज किया ना कि हमें तंग मत कीजिए, हम अंदर जा रहे हैं। देखिए मुस्तकीम साहब, ये मैं आपसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि 10,000 देंगे कि नहीं? नहीं नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, फिर जाएं अंदर, आपका कोई इंतजार कर रहा है। हमारा इंतजार कर रहा है? हमारा कौन इंतजार कर रहा है? चलिए चल के देख लेते हैं। आइए चलिए। नहीं नहीं, आप चलिए पहले। पहले आप। ना ना ना, पहले हम। नो नो। तो ये खड़पैंच मुस्तकीम से निकाह करने का तुमने पक्का इरादा कर लिया है? आ गया तुम्हारा दूल्हा। आदम अर्ज करते हैं। आदम अर्ज भाई, वाह भाई, ये कौन है नौशे मियाँ? हमें भी बताइए ना, ये लफ्ज सुने हुए अरसा हो गया। आप मेरे दूल्हे मियाँ? भाई आपकी ये बात सुन के दिल बाग बाग हो गया, लेकिन आपका ये जुमला हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है। जब प्यार किया तो डरना क्या मुस्तकीम साहब? लेकिन हमने तो कभी प्यार किया ही नहीं मोहतरमा, क्योंकि हिम्मत ही नहीं हुई कभी। देखा कैसे धोखेबाज आदमी है ये। बहुत ही अफसोस की बात है मुस्तकीम साहब, पहले आपने लड़की से शादी का वादा किया और जब वो लड़की अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ आ गई है तब आप भीगी बिल्ली बन गए। अरे भाई हमने तो कोई वादा नहीं किया। इसका मतलब आप उसे निकाह नहीं करेंगे? नहीं जी, तो बहुत चाहता है, मगर शायद आप हमारी सौजा मोहतरमा से वाकिफ नहीं है। भाई अगर आपके बारे में उन्हें भिनक भी पड़ गई थोड़ी सी तो वो हमें कच्चा चबा जाएंगी और टिकार भी नहीं लेंगी। जो जी बाजी को सब पता चल गया है, अभी रोती रोती गई है, मातम करती गई है अंदर। बहन जी, क्या जो जी इनसे मिल चुकी है? बहन जी आपने उनसे क्या कहा? लूज टॉक तो नहीं कर दी? आप हमारी जान लेकर छोड़ेंगी? पहले प्यार भरे वादे करते हैं, सुहाने ख्वाब दिखाते, जब घर पर सब छोड़कर आ गई तो बहन बना लिया। अरे भी आप समझ क्यों नहीं रही, हम तो आपको बिल्कुल नहीं जानते। झूठ मत बोलो मुस्तकीम, अगर तुमने मुझसे शादी ना की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी और इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। मेरा ख्याल है मुस्तकीम साहब आप ये चक्कर मान लें। अरे भाई मान तो हम खुशी खुशी जाते, अगर हमें जोजी बेगम का डरना होता, जाने उन्होंने हमारे लिए कौन कौन से हथियार तैयार कर रखे होंगे, उनसे मिल के आते हैं। रुको रुको मुस्तकीम। अरे मुस्तकीम को छोड़ो, तुम महमूद के बारे में सोचो। है छोड़ो तुम महमूद के बारे में, तुम नबील के बारे में सोचो, टीटे पका लेती हो। गुम करो शक्ल अपनी वरना मैंने खून कर देना तुम्हारा। अरे बेगम हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हम तो आपके अलावा किसी दूसरी लड़की को देखते भी नहीं है। अभी तेरे सारे कच्चे चट्टे खुल गए बच्चू, बाहर तेरी लैला बैठी है मजनू। अरे भाई हम मजनू नहीं है, हम तो मुस्तकीम हैं और वो भी अपनी जोजी प्यारी जोजी के मुस्तकीम। लो जी इसका तो किसी जोजी नाम की लड़की से फेर चल रहा है। माँ जी जोजी ये है इनकी बीवी। अब नहीं हूँ, अब इस मकार फराटिये से मेरे प्रा निबड़ेंगे। पिंड की गलियों में नसा नसा के तुझे दुम्बा ना बनवाया ना अपने प्राओं से, ते मेरा नाम भी जोजी मलक नहीं है। नहीं दुम्बा नहीं बाजी, खरगोश बनाना, मुझे बड़ा पसंद है खरगोश। अच्छा चल ठीक है। अरे आपकी कसम बेगम, हमने इस लड़की को आज पहली बार देखा और अच्छी तरह देखा भी नहीं। मतलब ये कि बगैर देखे ही नौबत ब्याह तक आ गई और मैं ही मासूम थी जो तुम्हारे झूठे का झूठ ना पकड़ सकी। मुस्तकीम साहब आप बाहर चले ना, जरा आपको टाइम दे नॉर्मल होने के लिए। अब मेरे गबरू जवान पर आने पड़ेंगे तुझसे मुस्तकीमों की माँ बनाएंगे तेरा। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि मुस्तकीम साहब में इनको नजर क्या आया। मैं इनकी शायरी की फैन हूँ। अरे भाई यकीन तो नहीं आ रहा आपकी बात का, लेकिन फिर भी आधा बर्स करते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह, तौबा तौबा, सारी इनकी शायरी वो होती है जो ट्रकों और रिक्शों के पीछे लिखी होती है। अरे भाई इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला है उस पे तो गौर कीजिए। जोजी बेगम अपने भाइयों को यहाँ बुला रही है। अच्छी बात है ना, जोजी के भाई भी आ जाएंगे और निकाह में शामिल हो जाएंगे। वो निकाह के लिए नहीं आ रहे, वो हमारी मैयत उठाने के लिए आ रहे हैं कंधों पे। ये भी अच्छी बात है। हमें कांधा नहीं देना पड़ेगा शादी के मौके पे ना,
इतनी मनहूस बातें ना करें आप। भाई हम नहीं कर रहे शादी वादी, हमारे लिए बहुत मसाइल पैदा हो जाएंगे। भाई अगर बात सिर्फ निकाह की है तो हम करने के लिए तैयार हैं। मसूद, भाई मैं तो एक इंसानी जान बचाने के लिए ये काम करूंगा, वरना देखो ना मुस्तकीम साहब बिचारों की जान चली जाएगी। ओ भाई अगर ऐसा ही मसला है तो ये सवाब कमाने का मौका मुझे दे। शट अप नबील। इट्स ओके जान, इट्स ओके। बस अब बहुत हो गया, अगर आज शाम से पहले पहले मेरा और मुस्तकीम का निकाह ना हुआ तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, और ये खत पुलिस के पास पहुंच जाएगा। इसमें साफ साफ लिखा है अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरी मौत के जिम्मेदार मुस्तकीम और जोजी होंगे। क्या? बस एक घंटा दे रही हूँ तुम सब लोगों को, जल्दी फैसला कर लो। नबील ये लड़की तो हमें ब्लैकमेल कर रही है। जानू टेंशन मत लो, मैं और महमूद साहब जोजी बाजी को बताते हैं कि मामला कितना संगीन हो गया। आइए महमूद साहब आइए। फीमेल हमें खैबर मेल कर रही है यार। देखिए जोजी बाजी, अब आपके पास और कोई चारा नहीं है, आपको मुस्तकीम साहब का निकाह कराना होगा। मैं उस मनोज को जान से ना मार दूं। तो मार दे भाई, दोनों सूरतों में ना आप ही जेल जाएंगे। क्या मतलब, क्या इस बात का मतलब? ये है कि वो लड़की खुदकुशी की धमकी दे रही है और ये इतना बड़ा खत भी लिख कर लाई है जिसमें साफ साफ लिखा है कि अगर उसे कुछ हो गया तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी आप पर और मुस्तकीम साहब पर होगी। हाय, ये लड़की तो बड़ी फ्रॉडनी निकली है, अब क्या करूं मैं भाईजान? देखिए अब आपके पास दो ही रास्ते हैं, एक तो ये कि आप जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं, दूसरा ये कि चुपचाप मुस्तकीम साहब का निकाह करा। ना 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 ना, पर क्यों, मैंने ये दोनों रास्ते ही नहीं लेने। देखिए मेरी बात सुने, अगर आज शाम तक उस लड़की का निकाह ना हुआ ना, उसने खुदकुशी कर लेनी है, उसने खुदकुशी करनी है और आपने सीधा चले जाना है जेल। सारी जिंदगी आप तो रहेंगी जेल में, और तो मुस्तकीम का क्या है, आपके जेल जाने के बाद उसने फिर से शादी कर लेनी। हाँ बिल्कुल, देखिए टेलीफिल्म बनाई हमने। हैं? देखो तुम दोनों मेरी कोई हेल्प करो ना। जोजी बाजी हम कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं? इसलिए कि तुम दोनों बड़े चलाक और मक्कार हो, तुम लोग कोई ना कोई चक्कर चला के ना हालात को संभाल लोगे। बस तुम लोग कोई चक्कर चला के उस कुड़ी को यहाँ से रफा दफा करो, मुस्तकीम को तो मैं निबड़ी लूंगी। ठीक है, आपने हम पे भरोसा किया और हमारी इतनी तारीफें भी की हैं, तो हम 10-20 लाख रुपए उस लड़की को ऑफर करके देखते हैं वो क्या कहती है। अच्छा पर शुरू 1 लाख से करना। चले मैं मुसाफ लैला की रुख्सती का बंदोबस्त करते हैं। वो जो हमने लैला की रुख्सती का करना है वो बंदोबस्त है। जी। अच्छा जी, आओ चले 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 बाजी हम अभी अभी। देखिए मोहतरमा अकीन कीजिए, हम आपको कैसे समझाएं, हम वो वाले शायर नहीं हैं, हमारी शायरी तो कभी छपी ही नहीं क्योंकि वो अभी तक छुपी हुई है। देखो भाई लड़की, तुम सीधी तरह यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा निकाह मुस्तकीम साहब से नहीं हो सकता। जब इसने शादी नहीं करनी थी तो प्यार भरी कसमें क्यों खाई? अरे भाई भूखे पेट होंगे, खाली होगी उन्होंने कसम, लेकिन ये शादी वादी मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। तुम कुछ नहीं कहोगे मुस्तकीम? जी दिल तो चाह रहा है कि फौरन हाँ कर दें, लेकिन फिर जोजी बेगम का चेहरा सामने आ जाता है। बीवी से इतना डरते थे तो शादी का वादा क्यों किया था? अरे भाई हमने आपसे कोई वादा किया ही नहीं। भाई देखो हम मुस्तकीम साहब को छोड़ने पर तुम्हें 5 लाख रुपए देंगे। तुम मुझे पैसों का लालच दे रहे हो, मैंने मुस्तकीम से पैसों के लिए प्यार नहीं किया था, मैं तो अच्छी तरह जानती हूँ इसके पास फूटी कौड़ी तक नहीं है, मगर मेरा प्यार सच्चा है। अरे भाई इतना प्यार तो आज तक हमसे किसी ने भी नहीं किया। देखें लैला जी, अगर हमारी जान पे ना बनी होती तो हम आपसे फौरन निकाह कर लेते, फिलहाल हमें माफ कर दीजिए। अगर आज मेरा निकाह ना हुआ तो तुम दोनों को भी नहीं छोड़ूंगी। देखो मुझे बेशक ना छोड़ना, इसको छोड़ देना, इस बेचारे की झूठी सी बीवी है, और मेरे मरने के बाद पुलिस तुम दोनों मियां बीवी से भी निपटेगी। नबील, अरे यार इस शख्स में ऐसी क्या बात है भाई, 5 लाख रुपया उसको ऑफर किया वो फिर भी नहीं छोड़ रही इसे, हालांकि इसको 50 रुपए में लोग छोड़ जाते हैं। अरे किबला, मोतबतक बार हम अर्ज कर चुके हैं आपकी खिदमत में कि लड़कियां ऐसे हम पे नहीं मरती, आखिर हम में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसका हमें भी पता नहीं। अच्छा खुश ना हो ज्यादा, दोनों तरफ से आप ही का नुकसान है, अगर निकाह हो गया तो जोजी जी नहीं छोड़ेंगी और ना हुआ तो आपको पुलिस नहीं छोड़ेगी। जब
मैं तुम्हें अच्छा वाला 5 लाख रुपए ऑफर कर रहा था, तुमने इनकार क्यों किया? अगर फौरन मान जाती तो मुस्तकीम साहब को शक हो जाता। शक तो पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, लेकिन और बहुत कुछ हो रहा है उन्हें। हाँ, मुझे तो ये लग रहा है कि वो निकाह करने के लिए कहीं तैयार ही ना हो जाए। मुझे उस बुड्ढे से निकाह नहीं करना, मैं एक एक्टर हूँ और बुलबुले में काम देने के लिए आप लोगों ने ही कहा था, इसीलिए यहाँ पे आई आपकी मदद के लिए। अच्छा ना, बस करो, सुनो मेरी बात। अगले सीन में मैं तुम्हें 5 लाख की बजाय ना 10 लाख ऑफर करूंगा, फौरन मान जाना। हाँ ये ठीक है, 8 लाख मेरा और 1-1 लाख आप दोनों का। क्यों भाई, मेरे 1 लाख क्यों? क्योंकि महमूद साहब आप बहुत ही ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। मेरा रोल पक्का है ना? अच्छा ये तो बताए मैं किसका रोल करूंगी? यार माँ जी के रोल के लिए तुम्हारी उम्र छोटी है, महमूद साहब के रोल के लिए तुम्हारा मुंह छोटा है। मुझे लगता है मुझे तुम्हें ना अपनी बीवी का कैरेक्टर देना पड़ेगा। सच? मुझ पगली। अच्छा चलो आप जल्दी से तैयारी कर लो, आज हम जोजी जी और मुस्तकीम से 10 लाख रुपया निकलवा के दम लेंगे। ये चीज मेरे चीज, ये चीज, ये चीज, ये चीज। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। देखो लड़की मेरी तरफ। अरे मेरी तरफ देखो भाई, बात मैं कर रहा हूँ, उधर क्या देख रही हो पटूरे को? देखो मेरी बात सुनो, तुम ना मुस्तकीम साहब को छोड़ और इसके बदले में हम तुम्हें चलो 10 लाख रुपया दे देंगे। तुम्हारे हाथ में क्या है? इस खत में लिखा है कि जोजी आंटी की मौत की जिम्मेदार लैला होगी। क्या? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। और इसमें ये भी लिखा है कि उनके मरने के बाद ये खत पुलिस के हवाले कर दिया जाए और उनको इंफॉर्म कर दिया जाए। मैंने कुछ नहीं किया और मुझे इस अंकल से शादी नहीं करनी। अंकल? नहीं नहीं, मुझे तो नबील और महमूद साहब ने ये सब करने को कहा था। बदले में ये मुझे बुलबुले में परमानेंट रोल देने वाले थे। बस यही सुनना था इस मनहूसनी के मुंह से। मुझे तो खूबसूरत सारा कुछ पहले ही बता चुकी थी। पूछो क्यों क्यों, ताकि मैं तुम लोगों पे ये मिसाल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकल।